आइए अब हम बिंदु नंबर 5 शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी पर चर्चा करें। सबसे पहले आप पेज नंबर 2 पर मानचित्र 1 को देखें। यहां आप चन्नूदड़ो जो एक ऐतिहासिक स्थल है इसे आप देख पा रहे होंगे। ये वो स्थल है जो शिल्प कार्यों का एक प्रमुख केंद्र माना गया है। ये पाकिस्तान में स्थित है। चूंकि ये मोहनजोदड़ो से बहुत छोटा स्थल है लेकिन अलग अलग शिल्प कार्यों के लिए ये प्रमुख रूप से जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि शिल्प कार्यों में कौन कौन से काम शामिल थे। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि शिल्प कार्यों में कौन कौन से काम शामिल थे। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना प्रमुख कार्य शामिल थे। जब हम मोहनजोदड़ो के मुकाबले चन्नूदड़ो की बात करते हैं तो चन्नूदड़ो विस्तार की दृष्टि से एक बहुत छोटी सी बस्ती थी जहाँ पर बहुत सारे शिल्प कार्य किए जाते थे। यहाँ शिल्प क्या है ये समझना भी आवश्यक है। शिल्प का मतलब है हाथों की कुशलता का काम, जैसे हम दस्तकारी या हस्तशिल्पी भी कहते हैं। कोई भी कार्य जिसमें कौशल की आवश्यकता होती है वह शिल्प कहलाता है। इन इंग्लिश वी कैन से ए जॉब और एक्टिविटी विच यू नीड स्किल विद योर हैंड्स और एनी जॉब और एक्टिविटी फॉर विच यू नीड स्किल। नाउ सी दैट चन्नूदड़ो that was devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. These were the important works done by the people in this particular site, that is Chandaru. Now moving next, we have to know that what kind of materials were used to make these beads. मनकों के निर्माण में कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता था ये भी जानना आवश्यक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ विशेष प्रकार के पत्थर, स्टोन्स, कुछ धातुएं, शंख, फायंस और पक्की मिट्टी, इन सब का प्रयोग मनके बनाने में होता था। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि मनकों के प्रयोग में किन किन पदार्थों का इस्तेमाल होता था। What materials were used to make beads? So you can see that the stones like carnelian, that was a kind of stone, metals such as copper, bronze and gold, shell, faience and terracotta or burnt clay. These were the materials used for making beads. Now moving ahead, we have to know about the size of these beads. अब हम बात करेंगे कि ये जो मनके बनाने का काम किया जाता था जिसमें पत्थर, धातु, शंख, फायंस और पक्की मिट्टी का प्रयोग होता था, ये दरअसल किस आकार के होते थे। एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मनकों के आकार कैसे थे, मनके किस किस आकार के बनाए जाते थे। So we can see the shapes of these beads. They were in numerous like disc shape, cylindrical shape, spherical shape, barrel shaped, segmented, ये कई तरह के आकार के हुआ करते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। अब इसमें से आगे देख पा रहे हैं हम लोग कि कुछ को पेंटिंग के माध्यम से, कुछ को उत्कीर्णन के माध्यम से और कुछ पर रेखा चित्र बनाए जाते थे। इन माध्यम से इनको सजाया जाता था। These beads were decorated by incising of painting and some had designs into them. So हड़प्पाई लोगों का जो शिल्प कार्यों का जो केंद्र था वो चन्नूदड़ो था। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के शिल्प कार्य किए जाते थे। उन शिल्प कार्यों में मुख्य रूप से मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना शामिल थे। मनके बनाने में जो प्रयुक्त वस्तुएं थी उनमें पत्थर,
धातु, शंख, हयांश और पकी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। मनकों के आकार में चक्राकार, बेलनाकार, ढोलाकार तथा खंडित प्रकार के मनके उनके द्वारा तैयार किए जाते थे। बाद में इन्हीं मनकों को सजाया जाता था उत्कीर्ण करके रेखा चित्रों के माध्यम से या चित्रकारी के माध्यम से। Here you can see the figure 1.13, a tool and beads. यहाँ आप जो देख पा रहे हैं चित्र, इसमें औजार और मनकों का चित्र आपको दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शिल्पकारियों में एक और कार्य शामिल है जो आप देख पा रहे हैं चित्र 1.14, मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं, मृदभांड। Some of these can be seen in National Museum, Delhi or in the Site Museum at Lothal. ये जो आप मिट्टी के बने हुए बर्तन देख रहे हैं, ये भी क्राफ्ट प्रोडक्शन ही है, ये भी एक तरह का शिल्पकारी है, क्योंकि कोई भी वस्तु जिसको बनाने में हाथ कौशल हो, हाथ का इस्तेमाल किया जाए और उसे विशेष प्रकार से तैयार किया जाए, उसे हस्तशिल्प कहते हैं। तो ये भी हस्तशिल्प का एक उदाहरण है। नीचे आप देखेंगे फिगर 1.15, तो आप देख रहे हैं ये भी एक मृण मूर्ति है। मृण मूर्ति का मतलब टेराकोटा, पकी मिट्टी की बनी हुई है। ये सब हड़प्पाई लोगों के शिल्प कला के उदाहरण हैं। इन्हें देखने से ये पता लगता है कि हड़प्पाई लोग शिल्प कला में काफ़ी माहिर होंगे, काफ़ी कुशल रहे होंगे। इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि शिल्प कला का केंद्र चन्नूदड़ो, जहाँ पर विशेष प्रकार के शिल्पकार्य किए जाते थे, अलग अलग धातुओं के इस्तेमाल से अलग अलग प्रकार का आकार देते हुए ऐसी चीज़ें उनके द्वारा तैयार की जाती थी। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मन के बनाने की तकनीक में जो पदार्थ उपयोग में लिए जाते थे उसमें भिन्नताएं थी। उसका एक उदाहरण है सेल खड़ी, जो एक प्रकार का पत्थर है लेकिन बहुत मुलायम है, इस पर आसानी से कार्य किया जा सकता है। कुछ मनके जो थे वो सैलखड़ी चूर्ण के लेप से तैयार किए जाते थे और इसमें ठोस पत्थरों से बनने वाले कुछ आकार भी दिए जाते थे। और सैलखड़ी से कैसे छोटे छोटे मनके बनाए जाते थे, इसमें किस तकनीक का वास्तव में प्रयोग किया जाता था, ये अभी पुरातत्वविदों की समझ से बाहर है। अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो पाया है कि सैलखड़ी से बहुत ज़्यादा छोटे आकार के मनके कैसे तैयार किए जाते थे। यहाँ एक और बात समझने वाली है कि हम मनकों को आग में पकाकर तैयार किया जाता था और पत्थर के जो पिंड थे उनको पहले प्रकृष्ट आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से उसमें किनारे निकालकर उसको अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रिया भी की जाती थी। इसके लिए आप चन्नूदड़ो, लोथल और धौलावीरा इन स्थलों से छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त होने के कारण आप ये कह सकते हैं कि चन्नूदड़ो, लोथल और धौलावीरा में इन मनकों में छेद करने का कार्य किया जाता था। इफ यू सी नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप 1, यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट। यदि आप ये नागेश्वर और बालाकोट को फिर से मानचित्र 1 में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों ही बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं और यहाँ पर शंख से बनी हुई वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ, कड़छियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं शामिल हैं, ये इनके निर्माण का विशिष्ट केंद्र थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शंख से बनी हुई वस्तुएं किस स्थल पर प्राप्त हुई हैं, तो आप नागेश्वर और बालाकोट का नाम उसमें लेंगे और आपको ये पता लगेगा कि दोनों ही तटीय क्षेत्र में स्थित थी, इसलिए यहाँ पर बहुतायत में शंख से कुछ वस्तुएं बनाई जाती थी और यहाँ से माल दूसरी वस्तुओं तक भी ले जाता था। इस प्रकार से ये संभव है कि चन्नूदड़ो और लोथल से जो माल तैयार होता था जिनमें मनके विशेष तौर से थे, उनको दूसरे स्थलों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक ले जाया जाता होगा। सो चन्नूदड़ो एंड लोथल वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। So these were the specialized centers for making cell objects. Remember always, there is a question that name the centers which were specialized centers for making cell objects including bangles, ladles and inlay. So you have to write the answer in the form of Channudaro and Lothal. When you will see the
मैप नंबर वन अगेन यू विल फाइंड चानुदारो लोथल धोलावीरा दीज आर दी हिस्टोरिकल साइट्स एंड प्रोवाइड्स दी इंफॉर्मेशन अबाउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 5.1 आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन केंद्रों की पहचान. यहाँ पर एक प्रश्न तैयार होता है कि पुरातत्वविद ऐसे उत्पादन केंद्रों की पहचान किस आधार पर करते होंगे. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग. नंबर वन इज रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स होलसेल्स कॉपर और टूल्स अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल. इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क. यहाँ पर आप बात को समझने का प्रयास करेंगे कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्व सामान्यतः निम्न तरीकों का इस्तेमाल करते थे जिसमें प्रस्तर पिंड पूरे शंख तथा तावा एस्क जैसा कच्चा माल औजार अपूर्ण वस्तुएं त्याग किया गया माल तथा कूड़ा करकट. ये वस्तुएं जहां भी पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई हैं इनके आधार पर उन्होंने ये पहचाना है कि ये स्थान विशेष किसी न किसी प्रकार के उत्पादन का केंद्र रहा होगा. अर्थात ये बात बहुत स्पष्ट है कि हड़प्पा के निवासी जब किसी वस्तु का निर्माण करते होंगे या कोई वस्तु बनाते होंगे तो निश्चित रूप से वो उन वस्तुओं में से बची हुई वस्तुओं को वहाँ छोड़ देते होंगे जो धीरे धीरे करके इकट्ठी हो गई होंगी. इसलिए इनके आधार पर आसानी से ये पहचाना जा सकता है कि अमुक स्थान पर किसी न किसी प्रकार का उत्पादन केंद्र रहा होगा. कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक माना जाता है. उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो वस्तुओं के निर्माण के लिए जब शंकर और पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थान पर फेंक दिए जाते थे. इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का उत्पादन होता होगा. इफ सेल्स और स्टोन्स इज यूज इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स देन पीसेज ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट दी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड समटाइम लार्जर वेस्ट पीसेज वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बट मेन्स यूजुअल विड्स वर यूजुअली लेफ्ट इन दी वर्क एरिया. दीज ट्रेसेज सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा. कभी कभी बड़े विकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए काम में लिया जाता था लेकिन बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था. ये टुकड़े इस बात का संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था. इससे स्पष्ट हुआ कि हड़प्पाई लोग शिल्प कार्यों में कुशल थे और वो अलग अलग तरह की वस्तुओं का हाथ से निर्माण करते थे. आइए अब हम आगे बिंदु नंबर 6 को समझते हैं. माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ मटेरियल फ्रॉम दी सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड स्ट्रेटजीज फॉर प्रिकोरिंग मटेरियल्स उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल. यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे. यहाँ पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको समझना होगा. पहला है बस्तियाँ स्थापित करना. हड़प्पाई निवासियों के द्वारा उन स्थानों पर अपनी बस्तियाँ स्थापित की गई जहाँ से उन्हें कच्चा माल प्राप्त होने की संभावना थी. दूसरा जहाँ भी उन्हें इस प्रकार से माल प्राप्त होने की संभावना थी उन क्षेत्रों के लिए उन्होंने अभियान शुरू किए और इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के संपर्क में आकर उन्होंने यहाँ से अपने लिए आवश्यक कच्चा माल जुटाया. सो वी कैन से दैट दे एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट्स एंड मे हैव बीन
send expeditions to areas such as the Khetri region of Rajasthan and South India. So these were the two strategies used by the Harappan people to get the raw materials for their own use. यहाँ हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पाई निवासी अलग अलग स्थानों से कुछ वस्तुएं मंगवाते थे. जैसे कुछ स्थल थे जैसे सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुगई, जो कीमती माने जाने वाले लाजवर्द मणि के स्रोत के रूप में पहचाना जाता था. लोथल से कार्निलियन शेलखड़ी राजस्थान और गुजरात से, और कुछ मेटल्स राजस्थान से प्राप्त की जाती थी उनके लिए. और कच्चे माल को प्राप्त करने का एक और जो उन्होंने तरीका अपनाया था वो था अभियान भेजना. ऐसे क्षेत्रों में अभियान भेजना और इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क बना के और वो यहाँ मिलने वाली ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे. यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ये मैं आपको बता दूं. ये यहाँ पर लिखा है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति. प्रश्न आता है व्हाट इज गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति. तो यहाँ पर इसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि खेतरी क्षेत्र है, राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर पुरातत्वविदों को कुछ साक्ष्य मिले हैं और ये वो उस क्षेत्र में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उसे उन्होंने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है. अर्थात खुदाई के दौरान राजस्थान के खेतरी क्षेत्र में गणेश्वर जोधपुरा नाम का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर इसको नाम दिया गया है. आप पेज नंबर 12 पर आखिरी पैराग्राफ में जब देखेंगे तो आपको ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के बारे में पढ़ने को मिलेगा. ध्यान रहे यह प्रश्न अक्सर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है. यहाँ आप ये मैप देख रहे हैं पेज नंबर 13 पर, मैप नंबर 3 द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन वेस्ट एशिया. यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं इस मानचित्र को देखने का उद्देश्य ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संपर्क उस समय पश्चिम एशिया तक भी था. इसलिए अब हम जब बिंदु 6.2 कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स की जब बात करेंगे, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, तो आप पाएंगे कि हाल ही में जो पुरातात्विक खोजें हुई हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि तावा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था और इसी वजह से इस बात का अंदाजा लगता है कि हड़प्पाई लोगों का संपर्क उपमहाद्वीप के बाहर भी था. पुरातात्विक खोजें बताती हैं कि संभवतः जो भारतीय लोग थे, हड़प्पाई जो लोग थे, उनकी कुछ वस्तुएं पश्चिम एशिया में मिली हैं, जिसमें आप चित्र 1.17 में देख सकते हैं, ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्दमान. तो ये जो चीज़ें हड़प्पाई सभ्यता से मिलती जुलती पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में प्राप्त हुई हैं, ये इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर के लोगों से भी संबंध रखते थे, संपर्क रखते थे, और इसी प्रकार सुदूर देशों से, सुदूर क्षेत्रों से उनकी आवश्यकता अनुसार कुछ सामान वो मंगवाते होंगे. पेज नंबर 14 को पढ़ने के बाद आपको ये और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि हड़प्पाई लोगों के दूर क्षेत्रों से संबंध थे. 3rd शताब्दी ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान का जो जिक्र किया गया है वो ओमान के लिए प्रयुक्त किया जाता था. यहाँ से तावे के खरीदने की संदर्भ में जानकारी मिलती है. और रोचक बात यह भी है कि मेसोपोटामिया के जो स्थल से जो तावे के अंश मिले हैं, वो नकल के जो अंश मिले हैं, ये भी इस बात का संकेत है कि हड़प्पाई लोगों का उनके साथ संपर्क रहा होगा. लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली कुछ पुरातात्विक खोज हैं जिसमें हड़प्पा के लोगों के पास जो मिली चीज़ें हैं वो मोहर, बाट और पासे मनके शामिल हैं. ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के जो लेख हैं उसमें दिलमुन, जो बहरीन द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, मगान और मेलुआ, जो हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयोग किए गए
शब्दों के तौर पर जाना जाता है। आपस में एक दूसरे की जानकारियां मिलती हैं, इससे पता लगता है कि इनका आपस में संबंध रहा होगा। और इस लेख से प्राप्त निम्नलिखित वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है कि कार्निलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियाँ, ये सब चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो एक दूसरे के संबंधों को ये स्पष्ट करती हैं। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। तो कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या ये नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था, ये एक प्रश्न है। तो ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, और मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं या नाविकों का देश किसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त मोहर और जहाज़ों पर और नावों पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे भी हम इन सब चीज़ों का अंदाज लगाते हैं। इस प्रकार से ये बात स्पष्ट होती है कि हड़प्पाई लोगों का जो संबंध था वो उपमहाद्वीप के बाहर भी था, और माल प्राप्त करने के लिए वो बस्तियां स्थापित करते थे, साथ ही उन क्षेत्रों में अभियान भेजते थे, और इन अभियानों के माध्यम से वो स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क जुटाते हुए अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करते थे।